निरचंक मेडिकल कॉलेज को मेडिकल यूनिवर्सिटी न बनाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोष जाहिर किया है। रोष जाहिर करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक शर्मा ने कहा कि जब जब भाजपा सत्ता में आई है तब मंडी जिला के साथ हमेशा ही अन्याय हुआ है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक शर्मा ने कहा कि निरजा को मेडिकल यूनिवर्सिटी लॉ बनाने पर विरोध प्रकट करते हैं। उन्होंने कहा कि जब भी भाजपा सत्ता में आई है तब हमेशा से ही भाजपा ने मंडी जिला के साथ भेदभाव किया है। उन्होंने कहा कि जब 2007 में भाजपा सत्ता में आई थी उस समय भी जनरल अस्पताल मंडी को निजी हाथों में सौंप दिया गया था, वहीं अब मेडिकल कॉलेज के साथ ये व्यवहार किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज को यूनिवर्सिटी न बनाने पर जहां लोगों को असुविधाओं से दो चार होना पड़ेगा, वहीं मंडी जिला के साथ एक बड़ा भेदभाव हो रहा है जो कि भाजपा की एक बुरी नीति है। जहां तक मेडिकल यूनिवर्सिटी निरचौक का मामला है, हमारे साथ मंडी की जनता के साथ जब जब भाजपा सरकार प्रदेश में सत्तासीन हुई, यही हमारी अपेक्षा जो होती थी उसकी अपेक्षा इनके द्वारा की जा रही है। इस अब की बार भी जब सत्तासीन जब भाजपा सरकार हुई तो अब की बार भी वैसा ही हो रहा है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जब 2007 में जब भाजपा सरकार सत्तासीन हुई थी तो उस वक्त जो हमारा ये जो हॉस्पिटल था मंडी का जोनल हॉस्पिटल, इसको निजी हाथों में सौंपने की भाजपा सरकार द्वारा एक साजिश रची गई थी। इसकी नोटिफिकेशन भी जारी हो गई थी। फिर एक हमारे जो मंडी के सामाजिक संगठन थे जिसमें कांग्रेस पार्टी भी राजनीतिक तौर पर शामिल हुआ, हमने भूख हड़ताल यहाँ पे की जिसका गुहा सेरी मंच है, वहाँ पे एक लंबे संघर्ष के बाद हमने उस नोटिफिकेशन को रद्द कराया। और जब यूपीए सरकार के समय यहाँ के जो कांग्रेसी जो नेता थे उनके प्रयासों से मेडिकल कॉलेज की हमने ईएसआई द्वारा खोलने की जो आधारशिला थी वो वहाँ पे नेट चौक में रखी गई। और उसके बाद जब अभी एनडीए सरकार बनी तो एनडीए सरकार ने ऐसा किया कि जो ईएसआई का जो मेडिकल कॉलेज था उसको भी वहां से छीन लिया और प्रदेश सरकार को मजबूरन होकर वो अपने हाथों से चलाना पड़ रहा है लोगों की सहूलियत के लिए। अब एक नई हमारे सामने आज के जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं विपिन परमार जी का, उनके द्वारा एक बयान आया जिसकी हम कड़ी निंदा भी करते हैं कि मेडिकल कॉलेज में जो नेर चौक में बना है वहां मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कांग्रेस सरकार ने वहां पे जिसकी घोषणा की थी उसको चलाने में उन्होंने अपने असमर्थता जाहिर की। इससे मंडी वासियों को जो मध्य क्षेत्र है हिमाचल का उनको बड़ी निराशा हाथ हुई। वहीं आयोजक अल्पसंख्यक वर्ग चमन राही ने बताया कि हाल ही में नए स्वास्थ्य मंत्री द्वारा विभिन्न प्रमाण द्वारा जो बयान दिया गया है उसकी भी कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने मीर चौक में मेडिकल यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए थी ताकि लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा दी जा सके और स्वास्थ्य मंत्री के मिलने का विरोध करते हैं। चमन राही ने कहा कि मेडिकल यूनिवर्सिटी किसी निजी हाथों में नहीं जाने चाहिए, इसीलिए वह मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मांग करते हैं कि निरचौक मेडिकल कॉलेज को मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाया जाए। बयान छपा है विपिन परमार जी जो वर्तमान में हिमाचल सरकार के स्वास्थ्य मंत्री है, वो उससे हम लोगों में बड़ा आक्रोश है। धर्मशाला में जो अभी सेशन हुआ उसके अंतर्गत उनका बयान आया था अखबारों में, तो हम उसका कड़ा संज्ञान लेते हैं और विरोध करते हैं क्योंकि मंडी जिला जो है ये सेंट्रल जोन है और ये जो पिछली शिवरात्रि हुई थी तो माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी यहाँ आए थे, उन्होंने घोषणा की थी पब्लिकली कि ये मेडिकल कॉलेज तो यहाँ बन गया है, लेकिन मेडिकल यूनिवर्सिटी हिमाचल सरकार ने उसकी घोषणा कर दी थी और उसको बंद करने का जो उन्होंने कहा कि यहाँ नहीं खुलेगा, हमें उसका बहुत ऐतराज है और हम मांग करते हैं क्योंकि ये मंडी जिला जो है पहला मौका मिला है, यहाँ से मुख्यमंत्री भी बने माननीय श्री जयराम जी, हम उनसे भी मांग करते हैं पार्टी लेवल पे भी स्वयंसेवी संगठन भी, और हमें तो इस चीज का कुछ शंका हो रही है जो स्वास्थ्य मंत्री है कहीं वो निजी हाथों में तो नहीं किसी के खेल रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो किसी निजी पार्टी को या प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट सेक्टर को नहीं चलाना चाहते होंगे, किसी उनके हाथों का खिलौना तो नहीं कहीं बढ़ रहा है जब गवर्नमेंट सेक्टर में है और उससे बहुत नुकसान होगा गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों के। गवर्नमेंट सेक्टर की अगर मेडिकल यूनिवर्सिटी होती है तो वहाँ सारी गवर्नमेंट की सुविधाएं होती है, प्राइवेट सेक्टर वाले तो आएंगे तो लूटेंगे,